हेलो फ्रेंड्स कैबिनेटरी मॉडुलर किचन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी कंपोनेंट होती है या आप ये कह सकते हैं कि कैबिनेट्स हमारे किचन की पर्सनैलिटी को बढ़ा देती है और जब भी आप मॉडुलर किचन की फिनिशेज के बारे में सोचते हैं तो आज मार्केट में बहुत सी वेरियस टाइप की फिनिशेज आ रही हैं जैसे एक्रिलिक फिनिश मेम्ब्रेन फिनिश पॉलीमर फिनिश और लेमिनेट फिनिश वगैरह वगैरह लेकिन इन सभी में एक्रिलिक और लेमिनेट फिनिश इन दोनों की डिमांड और पॉपुलैरिटी इनकी सुपर क्वालिटीज़ के कारण बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इन दो फिनिशेस को ही ज़्यादातर मॉडलर किचन कैबिनेट के लिए यूज़ किया जा रहा है और क्योंकि ये दोनों ही फिनिशेस एक ग्रेट रिजल्ट ऑफर करती हैं इसीलिए हम अक्सर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों को सिलेक्ट करते हुए कि हम अपने किचन में कौन सी फिनिश यूज़ करें हालांकि ये दोनों ही फिनिशेस इनकी खूबसूरती मजबूती और प्राइस के मामले में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है तो आपके लिए कौन सी फिनिश सही रहेगी इसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि पहले आप इन दोनों फिनिशेज के डिफरेंस को बारीकी से समझ लें तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों फिनिशेज के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा ताकि आप अपने किचन कैबिनेट के लिए बेस्ट च्वाइस कर सके तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों फिनिशेज का डिफरेंस समझते हैं और वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कौन सी फिनिश यूज करनी चाहिए सो लेट स्टार्ट एक्रिलिक फिनिश लेमिनेट फिनिश मटेरियल्स एक्रिलिक कोटिंग एक नॉन टॉक्सिक यानी कि रोगन जैसा ही मटेरियल है जो पॉलीमर फाइबर से बनाया जाता है यह फिनिश सीट के फॉर्म में मार्केट में तैयार ही मिलती है जो आपके किचन को एक बहुत ही ब्राइट शाइनी स्मूथ और सीमलेस फिनिश देती है आप एक्रिलिक कोटिंग बहुत आसानी से अपने घर और किचन इंटीरियर के साथ मैच कर सकते हैं जो फिनिश फेड नहीं होती और एक लंबे समय तक इसकी शाइनिंग और ब्राइटनेस मेंटेन रहती है वहीं दूसरी ओर लैमिनेट भी किचन कैबिनेट कोटिंग के लिए दूसरा बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है लैमिनेट को आप कारपेंटर मेड और मॉडलर किचन कैबिनेट्स दोनों के लिए ही यूज कर सकते हैं लैमिनेट्स एक कंपोजिट मटेरियल है जो फैक्ट्री में रेडी किया जाता है फ्लैट पेपर और रेजिन दोनों को एक साथ ऑटोमेटिक मशीन से प्रेस करके एक बहुत ही हाई प्रेशर में जिसका ऊपरी हिस्सा कलर से प्रिंटेड और डेकोरेटिव पैटर्न में तैयार किया जाता है लेमिनेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है हाई प्रेशर जो प्लाईवुड पर यूज की जाती है और लो प्रेशर लेट जो एम और पार्टिकल बोर्ड पर यूज की जाती है नंबर टू एस्थेटिक्स एंड लुक्स एक्रिलिक कैबिनेट प्रेफर किए जाते हैं हाई एंड किचन लुक्स के लिए एक्रिलिक स्टर्स बहुत हाई ग्लोसी फिनिश पैनल वाले होते हैं जिनकी चमक एकदम शीशे जैसी और फ्लेक्सिबिलिटी एकदम पीवीसी मटेरियल जैसी होती है इसके साथ साथ यह मैट फिनिश में भी आती है तो अगर आप अपने किचन के लिए एक हाई ग्लोस लुक चाहते हैं तो आपके लिए फिनिश एक बेस्ट ऑप्शन है जो साइनिंग भी काफी लंबे समय तक रहती है हाँ एक इमेजेस और रियलिटी में थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है फिनिश के साथ जाने से पहले वही लेमिनेट्स में भी ग्लोसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं पर ये फिनिश जितने रिफ्लेक्टिव नहीं होती मीन्स लेमिनेट फिनिश की ओवरऑल लुक इतनी शाइनी नहीं होती अगर किसी को अपने किचन की मैट फिनिश लुक चाहिए तो वह लेमिनेट फिनिश के साथ जा सकता है नंबर थ्री कलर एंड वराइटीज एक फिनिश की वाइब्रेंट कलर्स में एक वाइड रेंज अवेलेबल है एक ग्लोसी और मिरर लाइक अपीलिंग के साथ वहीं लेमिनेट फिनिशिंग में तो वराइटीज एक्रिलिक फिनिश से भी ज्यादा है जैसे मैट ग्लोसी और अल्ट्रा हाई ग्लोस कलर्स को छोड़कर लेमिनेट फिनिश वुड स्टोन टेक्सचर और मेटल जैसे टेक्सचर फिनिश में भी अवेलेबल है नंबर फोर ड्यूरेबिलिटी अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो फिनिश का कलर और स्मूथ ग्लोस एक लंबे समय तक नहीं जाता इसके साथ साथ एक्रिलिक फिनिश हंड्रेड परसेंट मॉइस्चर यूविलाइट और स्क्रैच रेजिस्टेंट भी होती है एक्रिलिक फिनिश हाई यूविलाइट रेजिस्टेंट फिनिश होती है वही लेमिनेट फिनिश बहुत ही ज्यादा हार्ड वेयरिंग और ड्यूरेबल रहती है एक्रीलिक फिनिश के कंपैरिजन में लेमिनेट्स भी moisture, light, heat, और है। पर दिखते हैं जो डेली की साफ सफाई से मेंटेन किए जा सकते हैं और इसे इजिली रिपेयर भी किया जा सकता है पर लेमिनेट फिनिश की एक ही सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि ज्यादातर लेमिनेट की चिपिंग टेंडेंसी होती है जिन्हें रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होता

क्योंकि फिनिश पर स्क्रैचेस जल्दी पड़ जाते हैं इसीलिए इसे केयरफुली हैंडल करने की जरूरत होती, होती है क्योंकि इन पर दाग धब्बे और उंगलियों के दिखते हैं पर फिनिश को मेंटेन करना काफी इजी होता है यह रेगुलर वाइपिंग और गर्म सर्फ के पानी से इजीली साफ हो जाते हैं वहीं लेमिनेट की भी बहुत इजी होती है इसे भी इजीली क्लीन रखा जा सकता है रेगुलर वाइपिंग से नंबर एट

जैसे कि अगर किसी को ग्लोसी चमकदारीशे जैसी फिनिश चाहिए तो वह डेफिनेटली कोटिंग के साथ जा सकता है क्योंकि कोटिंग आपको एक शाइनी और ग्लोसी करती है पर अगर आप एक ज्यादा ड्यूरेबल ऑप्शन देख रहे हैं तो फिर आप लेनेट के साथ जाए नहीं तो दूसरा एक और तरीका है जो आज ज्यादातर इंटीरियर डिजाइनर और एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं और ट्रेन में चल रहा है वो ये है कि आप दोनों एक्रिलिक और लेट का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं जैसे क्योंकि एक ब्राइट और शाइनी लुक देती है तो यह सही रहेगी आपके अपर कैबिनेट के लिए क्योंकि मोस्टली किचन के अपर पार्ट पर ही फोकस पड़ता है और क्योंकि लोअर कैबिनेट को ज्यादा टूट फूट को झेलना पड़ता है तो निचले हिस्सों के लिए लेमिनेट सही रहेगी क्योंकि लेमिनेट ज्यादा ड्यूरेबल होती है पर हाँ किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक बार डिजाइन कैटेलॉग को जरूर देखें और परफेक्ट मैच करें दोनों के सेट्स और कलर का के लिए कर रहा हूं नंबर वन मैट फिनिश लेमिनेट नंबर टू ग्लास फिनिश लेमिनेट नंबर थ्री टेक्सचर्ड फिनिश लेमिनेट नंबर फोर सोलिड कलर लेमिनेट और नंबर फाइव है मेटेलिक कलर लेमिनेट ये पांचों लेमिनेट बेस्ट हैं किचन के लिए तो आई होप कि अब आपके किचन फिनिशेस को लेकर सभी डाउट क्लियर हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करें या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमें मैसेज करें आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा और हमारे सभी ग्रुप के लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है ओके फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलेगा आज की वीडियो में यहीं तक आप सभी से विदा लेना चाहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड है नाइस डे